आ गया है हुस्न की मलिका, प्यार की देवी और सेक्स ओलंपिक की वर्ल्ड चैंपियन से मिलने का सविता। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता सविता, ओह सॉरी सुमित, तुम कब आए? ओए तुमने बुलाया, हम चले आए। तो सविता, आज किस प्रॉब्लम का सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हो? ओए आज मैं बारिश के पानी से जो रूफ में लीकेज होती है ना, उसके बारे में सेक्सी सॉल्यूशन देने वाली हूँ। वेरी प्रैक्टिकल, द बॉल इज इन योर कोर्ट सविता। The balls are always in my court, Sumit. Service करो, I mean please continue. Okay, बरसातों के मौसम में अक्सर ये देखा गया है कि छत पर पड़ने वाले बारिश के कारण पानी कमरों में सिपेज या फिर ड्रॉपिंग के शक्ल में नजर आता है। हाँ सविता, क्या तुम हनीमून की बात कर रही हो? No, silly boy. मैं बारिश की बात कर रही हूँ, समझे? एक ही बात है। आगे बताओ। और उस पानी की वजह से आपके दीवारों से रंग उतरने लगता है, जस्ट लाइक ओल्ड एज। लेकिन सविता, बारिश में तो छत हमेशा गीली रहती है, है ना? Not necessarily. That's what everyone thinks, and that's not the truth, Sumit. अच्छा, वो कैसे? देखो सुमित, रूफ में लीकेज होना इज अ वेरी ओरल थिंग। यू हैव टू इन्वेस्टिगेट डीप, आई मीन वेरी डीप। बारिश एक हवस का शिकार मर्द के जैसा होता है। यस, जिस तरह हवस के शिकार मर्द किसी भी अबला नारी के साथ प्यार का झूठा खेल खेलते हैं, उसी तरह बारिश हमारे बेबस छतों को गीला करने का घिनौना काम करता है। जब भी कोई छत में देखूं, मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 किती ओले आती। ओले ओले ओले, yes exactly। हाँ तो सविता, कैसे बचाए हम हमारी अबला छतों को बारिश की बुरी नजरों से? The solution is very smart। हमें छत पर ऐसा कुछ करना चाहिए, जरा सोचो, जिससे बारिश की हवस गायब हो जाए, खत्म हो जाए। मुझे लगता है गाइस, सविता आज साईफाई जोन में चली गई। तो क्या है इस बारिश से होने वाली लीकेज का सोल्यूशन सविता? यस, हमें छतों पर बॉबी डार्लिंग, मायावती, ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर्स चिपकाने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। इससे होगा क्या? इससे होगा यूं कि जब बारिश हमेशा की तरह हवस की आग में छत को गीला करने आएगा, तब उसकी प्यासी नजर इन पोस्टर्स पर पड़ेगी। और फिर पता है क्या होगा? इन पोस्टर्स को देखकर उसके मन को एक गहरा सदमा पहुंचेगा, धक्का लगेगा, और उसके अंदर का सेक्स और हवस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और बारिश अपने मुंह के बल रोड पर गिरेगा, ना कि हमारे छतों पर। नो रेन, नो लीकिंग रूफ्स, सिंपल। थैंक यू सविता, इस स्टैंड अप कॉमेडी शो पर फॉर द फर्स्ट टाइम तुमने मेरी बोलती बंद कर दी, आई एम स्पीचलेस। गाइस आई नीड अ ब्रेक, अगर मैं वापस नहीं आया तो आप प्लीज पुराने एपिसोड देख लेना।